महान परोपकारी नोरिको ओगावा के तीसरे स्मरणोत्सव दिवस के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर में शुक्रवार को सुबह 9 बजे भिक्षुओं के एक प्रमुख समूह की उपस्थिति में एक महापरित्राण पाठ का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर का निर्माण जापान के महाउपासिका नोरिको ओगावा की मदद से कामठी शहर में किया गया था। ड्रैगन पैलेस को भारत मैत्री के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। ओगावा सोसाइटी की अध्यक्ष एडवोकेट सुरेखा कुंभारे ने राय व्यक्त की है कि यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ड्रैगन पैलेस मंदिर को नागपुर में पवित्र दीक्षा भूमि के साथ बौद्ध पर्यटक सर्किट में शामिल किया गया है। नोरिको ओगावा की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर 2 सितम्बर को महापरिक्रम पाठ और पुण्यानुमोदन कार्यक्रम का आयोजन ड्रैगन मंदिर में आदरणीय भिक्षु संघ की उपस्थिति में किया गया था। इस अवसर पर ओगावा सोसाइटी की अध्यक्ष सुलेखा कुंभारे के शुभास्ते उपस्थित पूज्य संघ को चिवरदान व भोजनदान कराया गया। विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस ची निर्मिती ही महाउपासिका जपान येथील मॅडम नोरिको ओगावा यांच्या दानातून झालेला आहे। त्यामुळे हे जे विश्वविख्यात ड्रॅगन पॅलेस आपण बघता आहात ते मॅडम नोरिको ओगावा यांनी दान दिलं आणि म्हणून ही वास्तू उभी झालेली आहे या ठिकाणी। आता हे ड्रॅगन पॅलेस फक्त भारतामध्ये नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये शांती मैत्री व मानव कल्याणकारी विचार म्हणून प्रसिद्ध झालेलं आहे। तर मॅडम नोरिको ओगावाचं हे भारत देशाला फार मोठे एक दान आहे, एक फार मोठं गिफ्ट आहे। तथागत गौतम बुद्धाचा जन्म महापरिनिर्वाण आणि ध्यान प्राप्त भारतात झालं, त्यामुळे ओगावा मॅडमला भारताबद्दल खूप श्रद्धा होती आणि त्या श्रद्धेतून त्यांनी हे ड्रॅगन पॅलेसची निर्मिती केली। मी त्यांच्या ओगावा मॅडमच्या तृतीय स्मृती दिनानिमित्त त्यांना आदरांजली व्यक्त करते आणि संपूर्ण भारतवासियांकडून त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करते आहे की त्यांनी इतकं सुंदर वास्तू जे तथागताचा विचार फक्त देशामध्ये नव्हे तर जगामध्ये पोहोचवण्याचं एक महान कार्य केलेलं आहे। ते शरीर रूपामध्ये जरी नसतील तरी आपल्या कर्मातून आपल्या या धम्मदानातून ते आजीवन अमर झालेले आहेत असं मला वाटतंय। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।